Hello friends, welcome to your educational channel Estuary Through Math. Please subscribe and share. Let's start today's topic. Friends, is टॉपिक में हम लोग विजन आईएएस करंट अफेयर जून 2019 के एनवायरनमेंट सेक्शन से एमसीक्यू को देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बात जानना जरूरी है कि हमने सारे क्वेश्चन के थ्रू विजन करंट अफेयर एनवायरनमेंट सेक्शन को कवर किया है। लगभग लगभग कोई भी पॉइंट नहीं छूटा है, तो इसलिए आप जो जितने भी ऑप्शन है उसकी भी एक्सप्लेनेशन जरूर सुने, और साथ ही साथ आंसर सुनने से पहले आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जरूर सेलेक्ट करें, तभी आंसर सुने। तो हम लोग चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रिसेंटली हाल में ही CP4 EPSPS क्राई AC क्राई 2AB न्यूज में थे, तो ये किस से रिलेटेड है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो हम लोग देखते हैं, जैसा कि पहला ऑप्शन है कि यह एक मॉलिकुलर टेक्नोलॉजी है जिसका यूज टारगेटेड जीन एडिटिंग में किया जाता है, जिससे जितने भी वंशानुगत हेरिडेटरी डिजीज होते हैं उसको क्योर करने में मदद मिलता है। दूसरा ऑप्शन है बी में, यह एक कंप्यूटर मालवेयर है जिसका यूज ईरान के न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन मिशन को डिसरप्ट करने में किया गया था, मतलब उसको डिस्टर्ब करने में। उसके बाद लास्ट ऑप्शन सी ऑप्शन है अपना, सी ऑप्शन में दिख रहा है कि यह एक जीन है जिसका इंट्रोडक्शन GM कॉटन या GM क्रॉप्स में या BT कॉटन में किया गया था, फाइट करने के लिए किससे, तो पेस्ट से, जैसे कि बुलवर्म और पिंक वर्म से। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है अपना, यह एक जीन है जिसको मच्छर मस्किटो में इंट्रोड्यूस किया गया कंट्रोल करने के लिए, डेंगू वायरस, जिक्का वायरस और जापानी इंसेफ्लेंटिस को। तो आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है आपको सी, यह एक जीन है जिसको GM कॉटन या BT कॉटन में इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे इसको बुलवर्म या पिंक बुलवर्म से फाइट करने में मदद करता है, और यह इस तरह सुरक्षित रहता है। ये जो है बुलवर्म के प्रति टॉक्सिन रिलीज करता है ये जीन, जिस कॉटन पैर में या जिस BT कॉटन में होता है ये उसके प्रति उसको मार देता है या उसको दूर रखता है। तो हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, जिससे हमारा पूरा करंट अफेयर भी कवर हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रेंड्स, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लिखा हुआ है CP4EPSPS के बारे में, तो यह जो है एक सॉयल बैक्टीरियम से प्राप्त जीन है जिसका नाम है आपको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिंस। इससे प्राप्त यह एक जीन है जिसको अभी रिसेंटली एक कॉटन का वैरायटी डेवलप किया गया है BT कॉटन का, जिसको HT BT कॉटन कहते हैं। यह है HT BT कॉटन, उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ये क्या करता है, कॉटन पैर को, कॉटन प्लांट को हर्बिसाइड जो होता है, पीरकनाशी जो होता है, वो क्या कहते हैं, खरपतवारनाशी हर्बिसाइड, उसके प्रति रेजिस्टेंट प्रोड्यूस करता है, रेजिस्टेंट डेवलप करता है, जिससे कि यदि आप पीरकनाशी छींटते हैं खरपतवार को ख़त्म करने के लिए, तो इसका प्रभाव आपके BT कॉटन प्लांट पे ना पड़े, वह ना सूख जाए, इससे इसीलिए इसमें यह जीन इंट्रोड्यूस किया गया है, और आपका जो है खरपतवार तो नाश हो जाए लेकिन यह प्लांट ना मरे, तो इसलिए इसका इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसको HT BT कॉटन नाम दिया गया, ये जो नया जीन से कॉटन डेवलप किया गया है। तो इसी के लिए अभी एक आंदोलन भी चला था, सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट चला था। उसके बाद चलते हैं क्राई AC और क्राई 2AB जीन। तो ये क्राई AC क्राई 2AB जीन वही है, एक बैक्टीरिया होता है सॉयल बैक्टीरिया जिसका नाम होता है आपको बैसिलस थ्रीनजेनेसिस। यह जो अपना BT कॉटन है, पहले से जो है जिसको उगाया जा रहा है देश के हर एक भाग में, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है पेस्ट से फाइट करने के लिए, जैसे बुलवर्म और पिंक बुलवर्म से फाइट करने के लिए। यह जो है टॉक्सिन रिलीज करता है जो इंसेक्टिसाइडल होता है, इन सबों पेस्ट को मार देता है या दूर रखता है। उसके बाद हम लोग कहते जीन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, ह्यूमन हेरिडेटरी वाला, जो ह्यूमन हेरिडेटरी डिजीज होता है या कोई भी अलग डिजीज, ये जो है आपको सिर्फ ह्यूमन में नहीं, प्लांट में भी कोई डिजीज हो तो उसमें भी ये टेक्नोलॉजी यूज किया जा सकता है, उसकी डिजीज एनिमल कोई भी चीज़ में जो लिविंग बींग्स है उसमें ये इस टेक्नोलॉजी कैस9 या क्रिस्पर
का यूज किया जाता है। ये जो होता है एक मोलिकुलर सीजर होता है, कैंची होता है, जीन एडिटिंग का कैंची होता है। ये क्या करता है, जो भी डिफेक्टिव पार्ट रहता है अपना डीएनए में उसको काट के हटा देता है और बहुत सारे डिजीज को क्योर करने में मदद करता है। इस पर यूपीएससी भी अभी क्वेश्चन पूछा है, CS9 दो बार कंटिन्यू पूछा है, CS9 और क्रिस्पर दोनों टेक्नोलॉजी पर पूछा है, दोनों एक ही चीज़ है। उसके बाद हम लोग ईरान की बात एक ऑप्शन बनाए थे कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो ईरान गुप्त तरीके से कर रहा था उस इंडस्ट्री को डैमेज किया गया है। एक मालवेयर है या वर्म है जिसको एस्टुक्स नेट कहते हैं। यह एस्टुक्स नेट वर्म या मालवेयर यूएसए और इजराइल ने मिलकर डेवलप किया था ताकि ईरान के जो क्लैंडेस्टाइन गुप्त तरीके से ईरान जो प्रोलिफरेट कर रहा है न्यूक्लियर वेपन के लिए, तो उसको इनएफेक्टिव बनाया जाए। उसके बाद है हम लोग मैस्किटो का भी एक ऑप्शन सेट किया था हमने, तो उसमें है अभी रिसेंटली एक न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू डीएनए अल्टरेशन मेथड डेवलप हुआ, और सारे भी मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं एस्ट्राइल इंसेक्ट टेक्निक। यहाँ दिख रहा होगा, एस्ट्राइल मतलब होता है कि बांझ बना देना, एस्ट्राइल इंसेक्ट टेक्निक है। यह एक जीन अल्टरेशन टेक्निक है जिसके द्वारा क्या होता है, जो मेल मस्किटो होता है उसमें क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या होता है, उसके डीएनए में अल्टर कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है मस्किटो इनफर्टाइल हो जाता है। मेल मस्किटो यदि हुआ किसी भी फीमेल मस्किटो से कपलिंग करता है तो एग्स या बच्चा पैदा नहीं होता है, जिससे मच्छर का जो है फैलाव रुक जाता है। उसके बाद है अपना इंडिया में अभी एक तेलंगाना स्टेट है, वहाँ पर मस्किटो रिलीज किया गया है, उस मस्किटो में वालवाचिया नामक बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस किया गया। ये क्या करता है, यदि फीमेल मस्किटो में ये इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो वालवाचिया बैक्टीरिया क्या करता है, जो फीमेल मस्किटो जब किसी को बाइट करता है तो उसके वायरस को इनएफेक्टिव बना देता है, उसको जाने नहीं देता है, या बैक्टीरिया में जो सॉरी मस्किटो में जो वायरस होता है उसको ख़त्म कर देता है, उसको प्रिवेंट करता है। और यदि यह मेल में जाता है तो मेल जो होता है मेल में डाला जाता है तो मेल क्या होता है इनफर्टाइल हो जाता है, जिससे अपना मच्छर का रिप्रोडक्शन नहीं होता। और साथ ही साथ एक गंबुशिया फिश भी है, नाम सुने होंगे गंबुशिया फिश। यह क्या करता है, जहाँ भी पानी का जमाव रहता है, स्टेग्नेंट वाटर रहता है, वहाँ मच्छर के अंडे या मच्छर के लार्वा मस्किटो लार्वा बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर ये डाला जाता है। ये क्या करता है, मस्किटो के लार्वा को चुन चुन कर खा जाता है, जिससे अपना मस्किटो कंट्रोल करने में हेल्प मिलता है। तो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। इसमें से कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट अभी बहुत ही न्यूज में था इसके बारे में, तो इसमें पहला ऑप्शन है कि बिल्ट ऑन कन्फ्लुएंस ऑफ गोदावरी और मंजरा रिवर, कहा जा रहा है कि इसका जो है निर्माण गोदावरी और मंजरा रिवर के संगम पर किया गया है। यहाँ बिल्ट में एल छूट गया है, स्पेलिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स, सॉरी। बी ऑप्शन है कि इसका यूज इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर और हाइड्रो पावर मतलब पनबिजली प्रोडक्शन के लिए किया जाएगा। उसके बाद अपना ऑप्शन है सी देखते हैं, तो सी कह रहा है कि तेलंगाना के अलावा इससे उड़ीसा आंध्र प्रदेश को भी वाटर मिलेगा इरिगेशन के लिए। उसके बाद डी ऑप्शन है अपना लास्ट ऑप्शन है कि यह विश्व का लार्जेस्ट मल्टी स्टेज मल्टीपर्पज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, विश्व का सबसे बड़ा। तो अब हमको करेक्ट आंसर इसमें से सिलेक्ट करना है, तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है, तो एक्सप्लेनेशन भी करते चलेंगे इसका साथ में ही। तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि बिल्ट ऑन कन्फ्लुएंस ऑफ समागम जो है मंजरा और गोदावरी नदी के, तो ये इसमें गोदावरी तो सही है लेकिन मंजरा गलत है, मंजरा की जगह आपका होगा प्राणहिता रिवर है, इसी का सहायक है गोदावरी का, तो यही होगा प्राणहिता रिवर होगा, तो आपको ये रिमेंबर रखना है प्राणहिता रिवर, तो इसलिए ये पहला ऑप्शन अपना रॉन्ग है। उसके बाद है बी में देखते हैं कि ये इरिगेशन के लिए भी किया जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी किया जाएगा, लेकिन हाइड्रो पावर प्रोडक्शन के लिए नहीं किया जाएगा, पनबिजली उत्पादन के लिए नहीं किया जाएगा। हाँ हालांकि थर्मल पावर प्रोडक्शन के लिए किया जाएगा, एक इसके बगल में ही कुछ दूरी पर एक थर्मल पावर प्रोडक्शन सेंटर है, वहाँ इससे वाटर भेजा जाएगा उसके टरबाइन को चलाने के लिए। उसके बाद चलते हैं हम लोग सी ऑप्शन देखते हैं, सी अपना क्यों सही है या गलत है, तो सी देखते हैं कि तेलंगाना को तो ठीक है इससे वाटर मिलेगा इरिगेशन के, लेकिन उड़ीसा को नहीं मिलेगा, तो इसीलिए यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ हमें
ऑफ ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, लेकिन हमने सेट कर दिया, लेकिन आप उड़ीसा से ही छाट सकते हैं, उड़ीसा को इससे कोई लाभ नहीं होगा इरीगेशन वाटर के लिए। उसके बाद चलते हैं हम लोग लास्ट ऑप्शन देखते हैं, तो लास्ट ऑप्शन अपना देखते हैं, हालांकि ये तो खुद वीड आउट हो गया, तो डी ही आंसर होना चाहिए। लास्ट ऑप्शन है कि यह विश्व का लार्जेस्ट मल्टी स्टेज मल्टीपर्पज मतलब बहुउद्देश्य लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, इसलिए आंसर इसका क्या होगा, आपका ए होगा, दैट मीन्स डी होगा। इसके बाद हम लोग फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन में वही बात लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है इनसेम्बल प्रेडिक्शन सिस्टम। इनसेम्बल प्रेडिक्शन सिस्टम क्या है आपको बताना है, ये किससे रिलेटेड है। पहला ऑप्शन है कि इसका उपयोग सुनामी और अर्थक्वेक का प्रेडिक्शन के लिए किया जाता है। उसके बाद है इसका प्रयोग एयर पॉल्यूशन का रेट क्या होगा भविष्य में उसके लिए किया जाता है, और सी ऑप्शन है इसका कि इसका उपयोग वेदर फोरकास्ट के लिए किया जाता है, मौसम के तो उसके बाद चलते हैं डी ऑप्शन है कि डिटेक्ट इनेमी फाइटर प्लेन मूवमेंट। तो यदि किसी देश से इनेमी का फाइटर प्लेन आता है हमारे एरिया में, तो उसका पता लगाने के लिए किया जाता है उसके मूवमेंट के बारे में। तो चार ऑप्शन है आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। तो इसमें फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इसका सी होगा कि इसका उपयोग जो है वेदर फोरकास्ट के लिए किया जाता है, मौसम की भविष्यवाणी के लिए किया जाता है, है ना। अब और सारे ऑप्शन देखते हैं और सारे ऑप्शन गलत क्यों है, उसका क्या एक्सप्लेनेशन है, तो हम लोग देखते हैं नीचे इसका एक्सप्लेनेशन हमने लिखा है। जैसे फोरकास्ट सुनामी के लिए अभी एक इंक्वायर्स जो है इंस्टीट्यूशन है, इंक्वायर्स इंस्टीट्यूशन है जो इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया, और इसमें बहुत सारे कंट्री जो इंडियन पैसिफिक रीजन में रहते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। अभी हाल ही में एक आईओ वेव ओशियन एक्सरसाइज हुआ था, सुनामी के से बचने के लिए मॉक ड्रिल किया गया था आईओ वेव एक्सरसाइज में। इसमें बहुत सारे पैसिफिक और रिम एसोसिएशन के कंट्री या इंडियन पैसिफिक एसोसिएशन के कंट्री जो है पार्टिसिपेट किए थे। तो यह एक इंडियन कोस्टल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस इंक्वायर्स है, यह जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ और साइंस के अंतर्गत आता है। यह क्या कर एक जो है इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया है, एक सिस्टम डेवलप किया है, जिससे आपको रियल टाइम बेसिस पर यदि कोई समुद्र में अर्थक्वेक आता है तो उसको ऑब्जर्व करते हुए यह लगभग एक घंटे या 15-20 मिनट पहले जो है सुनामी का फोरकास्ट कर सकता है, करने में सक्षम है कि इससे क्या क्षति होगा, कहाँ कितना जाएगा, वेव राइज करेगा, कहाँ कितना वाटर जो है कवर कर लेगा, फ्लड लाएगा, कितना नुकसान करेगा, इसका यह पता लगाने में लगभग सक्षम है। उसके बाद है कि प्रेडिक्शन ऑफ एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन के प्रेडिक्शन के लिए कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो उसके रेट के आधार पर प्रेडिक्ट कर सके कि कल परसों क्या होगा नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं है प्रोनाउन करने के लिए, इंडिया में कोई भी ऐसा नहीं है सिस्टम। हालांकि किया जाता है, लेकिन इंडेक्स कोई भी नहीं है, उसको रियल टाइम बेसिस पे किया जाता है, जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स है और सारे भी इंडेक्स हैं। उसके बाद अपना ये तो जान ही रहे इसके लिए इनसेम्बल प्रेडिक्शन सिस्टम का यूज किया जाता है। उसके बाद लास्ट में जो है डिटेक्ट इनेमी फाइटर प्लेन। तो इनेमी फाइटर प्लेन को डिटेक्ट करने के लिए अपने पास एक जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम है, वेपन वार्निंग सिस्टम है, जिसका नाम और रडार भी है, जैसे राजेंद्र रडार है और सारे भी रडार है, उसके द्वारा पता लगाया जाता है, न कि इनसेम्बल प्रेडिक्शन सिस्टम के द्वारा। वो रडार के द्वारा होता है, जिसका नाम राजेंद्र है और सारे भी कुछ नाम है उसके द्वारा कहता। हम लोग फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इंडिया में परमिटेड किया गया है उगाने के लिए और उगाया जा रहा है। तो आपको ये ऑप्शन है, इसमें से सिलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास बीटी मेज मतलब मक्काई, उसके बाद है बीटी ब्रिंजल, उसके बाद है बीटी कॉटन, उसके बाद है बीटी टमाटो जिसको टमाटर कहते हैं, बीटी मस्टर्ड सरसों और बीटी बनाना। इसमें से आपको सेलेक्ट करना है किसको इंडिया में परमिट किया गया है उगाने के लिए, कौन सा जीएम क्रॉप है जिसको किया गया है। तो इसमें से हम लोग आंसर देखते हैं, सेलेक्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें बीटी मेज को नहीं, इसके बारे में हम लोग कभी सुने ही नहीं है। बीटी टमाटर कभी कभी सुनते हैं लेकिन दूसरे देश में होता है, तो इसको भी नहीं किया गया है। उसके बाद बीटी
ब्रिंजल भी नहीं है, उसके बाद बीटी बनाना भी नहीं है, उसके बाद बीटी मस्टर्ड के बारे में कन्फ्यूजन है, लेकिन बीटी मस्टर्ड को परमिट नहीं किया गया है। अलाउ तो किया गया था जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है, उसके द्वारा अप्रूवल दिया गया था, लेकिन कुछ एनजीओ और फार्मर या कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अपोज के कारण इसे वापस ले लिया गया, इस पर मॉरिटोरियम डाल दिया गया, ये स्थगित कर दिया गया है। तो अपना मात्र एक ऑप्शन बचता है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन ही एकमात्र क्रॉप्स है जिसको इंडिया में परमिट किया गया है। तो अपना इसमें से आंसर तो सब कट ही जाएगा, आप देखते हैं, तो अपना आंसर बी होगा। हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि ग्लोबल ग्लोबल लैंड आउटलुक पब्लिश किया जाता है किसके द्वारा, तो आपको बताना है इसमें से। जैसा कि पहला ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, दूसरा ऑप्शन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका आप लोग नाम प्रचलित है IUCN के रूप में, सी ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन से लड़ने के लिए यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है UNCCD, और डी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर सुनना चूज करना है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, इसका करेक्ट आंसर सी होगा, तो सी होगा इसका। तो ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन के द्वारा यह हर एक दो साल पे पब्लिश किया जाता है। हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि रिसेंटली हाल में ही मेदी गदा बैराज न्यूज में था, तो यह कहां पर अवस्थित है आपको बताना है। यह बहुत पॉपुलर था मेदी गदा बैराज। तो आपके पास ऑप्शन है कर्नाटक, गुजरात, असम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स तेलंगाना। मेदी गदा बैराज जो है ये अपना कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, उसी के लिए बनाया गया है। यहाँ से ही मेदी गदा बैराज से ही कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए वाटर को लिफ्ट किया जाएगा। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि फ्रेंड्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैचड करेक्टली, कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है, तो आपको सिलेक्ट करना है, नहीं है करना है। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं इसमें कि बुडापेस्ट कन्वेंशन साइबर क्राइम से है, दूसरा लिख रहा है अलमा आता कन्वेंशन प्राइमरी हेल्थ केयर से है, उसके बाद मॉस्को डिक्लेरेशन ट्यूबरक्लोसिस एंड करने से है, उसके बाद गोथन बर्क प्रोटोकॉल प्रिवेंट मैरीन डेब्रिस, मतलब समुद्र में जो भी कचरा होता है उससे रोकने के लिए। तो इसमें करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स अपना, मींस दैट रॉन्ग आंसर जो है, रॉन्ग स्टेटमेंट ये है डी वाला, तो अपना आंसर भी डी ही होगा। और सब जो है इसमें सारा का सारा आपको करेक्टली मैच्ड है, इसीलिए आप इसको भी रिमेंबर रखें, कभी भी किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बुडापेस्ट कन्वेंशन आपको साइबर क्राइम से है, अलमा आता डिक्लेरेशन जो है प्राइमरी हेल्थ केयर से है, इसका WHO का वर्ल्ड हेल्थ असेंबली पिछले कुछ साल पहले हुआ था, उसी में इस डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया था, प्राइमरी हेल्थ केयर पर यह फोकस करती है। उसके बाद मॉस्को डिक्लेरेशन आप सुनते ही रहते होंगे, ये भी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली WHO का हुआ था, उसमें ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म करने के लिए इसमें जो है संकल्प लिया गया था। गोथनबर्ग प्रोटोकॉल के है ये अपना रॉन्ग है, तो हम लोग देखते हैं इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन। तो गोथनबर्ग प्रोटोकॉल जो है आपको ये संबंधित है एबेट कम करना है एसिडिफिकेशन और यूट्रोफिकेशन, मतलब एसिडिफिकेशन और यूट्रोफिकेशन आप जानते ही होंगे, उसको कम करना है, और ग्राउंड लेवल का जो ओजोन होता है, ओजोन का जो पॉल्यूशन होता है ग्राउंड लेवल पर, आपको ट्रोपोस्फेरिक उसको भी कम करना है ना। ये किसका पार्ट है, गोथनबर्ग प्रोटोकॉल पार्ट किसका है, आपको लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्टरी एयर पॉल्यूशन एक कन्वेंशन है, उसी का यह पार्ट है गोथनबर्ग प्रोटोकॉल, लॉन्ग रेंज ट्रांसबॉर्डरी एयर पोल्यूशन जो है यही कहती है, जो गोथनबर्ग प्रोटोकॉल कहती है। उसके बाद हम लोग ये ऑप्शन जो हम सेट किया था, मैंने सेट किया था फ्रेंड्स, तो प्रिवेंट मैरीन डेब्रिस, तो इसके लिए एक होनोलुलु स्ट्रेटजी है, होनोलुलु स्ट्रेटजी है जो मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन की बात करती है मैरीन में जो कचरा होता है। जैसा कि आप पैसिफिक ग्रेट पैसिफिक पैच का नाम सुने होंगे, वहाँ बहुत सारा कचरा समुद्र में हो गया है। तो हम लोग फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि कह रहा है कि अब काउज ऑफ डिलेड मानसून इन 2019, इंडिया में जो देर से मानसून आया था अभी न्यूज में था, तो ये क्यों है आपको बताना है। इसमें आपके पास थ्री ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके पास है कि इंक्रीज्ड
टेम्परेचर ऑफ अरबियन सी एंड फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन वायु, मतलब अरबियन सी में टेम्परेचर इंक्रीज कर गया था और साइक्लोन जो वायु फॉर्मेशन हुआ था यह है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है प्रजेंस ऑफ मिड लैटिट्यूड वेस्टर्ली, जिसको हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, उसका इंडियन सब कंटिनेंट पर प्रजेंस होना। थर्ड ऑप्शन है इसका कि सिंकिंग ऑफ एयर ओवर इंडियन ओशन, इंडियन ओशन पर एयर का सिंक करना मेडियन जूलियन ऑसिलेशन के कारण, मतलब मेडियन जूलियन ऑसिलेशन का सेपरेट हो जाने के कारण जो है एयर का इंडियन ओशन पर सिंक किया। ये तीन कारण है, आपको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। तो हम लोग करेक्ट देखते हैं फ्रेंड्स, चूज कर रहे हैं। तो इसमें फ्रेंड्स हम लोग यदि देखें तो पहला और स्टेटमेंट देखें तो इसका सही है, मतलब ये सही है कि टेम्परेचर अरबियन सी का इंक्रीज कर गया था और वायु साइक्लोन फॉर्मेशन हो गया था इसके कारण। यदि हमको इसको एक्सप्लेन करें तो फ्रेंड्स जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है अरबियन सी है, ये इंडिया है, ये बाय ऑफ बंगाल है, तो ये अपना इक्वेटर्स है। तो जनरल मानसून में क्या होता है कि लैंड वाला पार्ट यहाँ लो प्रेशर बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है और इधर से एयर जो है ऐसे मूव करके अपना मानसून ले आता है। लेकिन इस साल क्या हुआ फ्रेंड्स कि एक बहुत ही बड़ा लो प्रेशर का केंद्र यहाँ अरबियन सी में बन गया एलपी का, किसके कारण, तो साइक्लोन वायु के कारण और अरबियन सी भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्म हो जाता है, तो आप जानते ही हैं। तो क्या हुआ, ये जो एयर इधर मूव करता मतलब कंटिनेंट के मूव की ओर करता, वो इधर ना मूव करके आपको किधर मूव कर गया, ये कर गया ऐसे करके इस एलपी की ओर, जिसके कारण आपको ये इधर पहुंचने में लेट लगा, जब तक कि ये अरबियन सी का लो प्रेशर जोन वीक नहीं हुआ तब तक, तो इसलिए डिले हुआ। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। उसके बाद हम लोग यदि सेकेंड ऑप्शन देखें तो सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ मिड लैटिट्यूड वेस्टर्लीज या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विंड ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब क्या हुआ इस बार क्या हुआ फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए कि अपना जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स है, ये वेस्टर्ली तो आप जानते हैं इधर से आता है मेडिटेरियन सी, तो इस बार क्या हुआ लगभग मई तक क्या हुआ जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इफेक्ट ज़्यादा ही बना रहा इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, जिसके कारण यहाँ जो था हाई प्रेशर टाइप से क्रिएशन जो है एक रीजन हो गया था हाई प्रेशर टाइप से, तो जिसके कारण वह ये इधर से एयर को इधर पहुंचने नहीं दे रहे थे, क्योंकि लो प्रेशर होगा तभी तो लो प्रेशर की और हाई प्रेशर से मूव करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था तो इसके कारण भी डिले हुआ, जब ये खत्म हुआ तब आया। तो ये भी अपना टू ऑप्शन भी सही है। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रेंड थर्ड कह रहा है कि सिंकिंग ऑफ एयर ओवर इंडियन ओशन ड्यू टू सप्रेस्ड फेज ऑफ मेडियन ओशन जूलियन ऑसिलेशन। तो इस बार क्या हुआ फ्रेंड्स कि इंडियन ओशन जो है अपना, इस पर क्या हुआ अपना मेडियन ओशन जूलियन हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो इस बार क्या हुआ कि ये इंडियन ओशन है अपना नीचे वाला, इस पर एक मेडियन जूलियन ऑसिलेशन एक घटना होती है, उसका क्या हुआ सप्रेस्ड फेज इंडियन ओशन पे बन गया, मतलब इसमें क्या होता है एयर नीचे की ओर सिंक्स कर रहा था, एंटी साइक्लोन टाइप का एक यहाँ वीक एंटी साइक्लोन टाइप का एक केंद्र बन गया, जिसके कारण क्या हो रहा था एयर जो है इसको क्रॉस करके इधर जा ही नहीं पा रहा था, है ना, एयर यहीं से इधर इधर फैल जा रहा था, जिसके कारण अपना जो नीचे से आता है साउथ स्ट्रेट विंड जो आता है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ओर नहीं जा पा रहा था, इसलिए मानसून डिले हुआ। तो इसका मतलब फ्रेंड्स इसमें सारे ऑप्शन जो है आपको करेक्ट स्टेटमेंट है, तो मतलब इसका आंसर आपको क्या होगा डी होगा। फ्रेंड्स तो इस टॉपिक को यही ख़त्म करते हैं, फिर अगले टॉपिक में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे फुल ऑफ जॉय।